हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों का, जो आज एग्जाम हुआ है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट का। तो उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, और आप लोग अपने अपने पेपर से मिलान कर लीजिए। ये मैं बुकलेट सीरीज डी से मैच कराऊंगा, और इसका जो पेपर कोड होता है 4004 होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का आप लोगों का पेपर सॉल्व होने वाला है। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस कौन कौन से दिए गए हैं। अपने अनुसार आप लोग मैच कर लीजिए अपनी सीरीज को और जल्दी से लेकर बैठ जाइए। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है कि सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है। तो सिंचाई जल की जो विद्युत चालकता होती है कितनी होती है, 1 DSM से कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि चूने की मांग शब्द संबंधित है। तो चूने की मांग जो संबंधित शब्द है किससे है, अम्लीय मृदा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। शुष्क मृदाएं किसमें पाई जाती हैं, तो ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। जलमग्नता के कारण होती है, जलमग्नता जो होती है किसके कारण होती है, उपरोक्त सभी के कारण होती है। अधिक वर्षा, खराब जल निकास तथा उच्च जल स्तर के कारण होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सी उपयोगी होती है, तो ये होती है 5th से 8th तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पीएच ज्ञात करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो कौन सी विधि, ए और बी दोनों, रंगमापी तथा ग्लॉस इलेक्ट्रोड विधि प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन होगा कि Na प्लस इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, इसका जो किसका सूत्र होगा ये, तो ये सूत्र जो होगा आप लोगों का ये किसका होगा, सोडियम अधिशोषण अनुपात का होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूना को किस मृदा में भूमि सुधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, अम्लीय मृदा में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडिक मृदा को और किस नाम से जानते हैं, तो सोडिक मृदा जो होती है इसे काला क्षार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जब POH का सांद्रण 1×10⁻⁸ है तो पीएच मान होगा, तो कितना होगा पीएच मान, ये 6 होगा इसका। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि एसपीएल सोरेनसन ने खोजा था, तो एसपीएल सोरेनसन ने क्या खोजा था, तो पीएच पैमाना खोजा था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि भूमि क्षमता वर्गीकरण योजना में भूमि क्षमता वर्गों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो इसमें जो कुल संख्या होती है वो सी नंबर मतलब 8 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण में ए बराबर RKLSCP×K दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है कि मिट्टी की टिकाऊपन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा के कणों का आकार निलंबन वायु अपरदन में है, तो निलंबन वायु अपरदन मृदा का आकार जो है वो कितना है, 0.1 mm से कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा सबसे ज़्यादा मृदा का कटाव किस वायु चरण द्वारा होता है, तो उछल कूद द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा मृदा क्षरण को कैसे मापा जाता है, तो मृदा क्षरण को किसके द्वारा, तस्वीर, भौतिक, जैविक सूचक, उपयोग सभी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का क्षरण सबसे अधिक दिखाई देता है, तो नाली क्षरण जो होता है ये सबसे अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि नाली कटाव अग्रिम स्थिति है, तो नाली कटाव जो अग्रिम स्थिति है ये किसकी है, रिल क्षरण की है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की सतह पर बहते पानी के विदरित प्रभाव द्वारा कम या ज़्यादा चिकनी ढाल की ढलान से मृदा की पतली परतों को समान रूप से बह जाना या रुक जाना कहलाता, क्या कहलाता, सतह क्षरण कहलाता। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पीएच एवं पीओएच का योग सदैव होता है, तो पीएच एवं पीओएच का जो सदैव योग होता है वो कितना होता है, तो ये 14 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि डीएसएम इकाई है, तो किसकी होती है, ये ईजी की होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लबड़ी एवं क्षारी मृदा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षारी क्षेत्रफल है वो 6.74 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से एसिड सल्फेट मृदा का पीएच होता है, पीएच कितना होता है, तो ये होता है ग्रेटर देन 4.0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि अम्लीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं, तो अम्लीय मृदाएं जो मुख्यतः पाई जाती हैं वो किसमें, नम जलवायु में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लबड़ी मृदा ये जानी जाती हैं, तो लबड़ी मृदा किसके रूप में जानी जाती हैं, तो सफ़ेद क्षारी के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह मृदा पीएच जिसका 8.5 से 10.0 तक विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक तथा विद्युत चालकता 4 DSM से कम होती है, क्या कहलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्षारीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक होता है, तो मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है, अपरदन, लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता। अगला क्वेश्चन होगा कि मृदा भार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर जाना क्या कहलाता है, तो ये मृदा क्षरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन होगा कि वह अम्लीयता जो मृदा कोलाइड्स पर एच प्लस और ए एल थ्री प्लस आयनों के अधिशोषण द्वारा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवशिष्ट अम्लीयता उसे विनिमय योग्य अम्लीयता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जिस मृदा का पीएच 7 से 8.5 के बीच होता है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, लवणीय मृदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अम्लीयता मृदा को सुधारने का प्रयोग नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो CaSO4 × 2H2O में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वमान मृदा हानि समीकरण को विकसित किया था, तो किसने किया था, बिस्मायर तथा स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु अपरदन का प्रकार नहीं है, तो कौन सा वायु अपरदन का प्रकार नहीं होता है, तो इसमें निक्षेपण जो होता है ये वायु अपरदन का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अपरदन का उदाहरण है, तो कौन सा जल अपरदन का उदाहरण है, तो रिल अपरदन। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की गणना की जाती है, तो किससे की जाती है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जिप्सम की अधिकता GR संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जिप्सम रिक्वायरमेंट किससे संबंधित, क्षारीय मृदाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा की जलमग्नता से होता है, तो क्या मृदा की जलमग्नता से होता है, तो क्या होता है ये, तो NO3 का संचयन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से जलाक्रांतता मृदाओं को सुधारने का उपाय क्या होता है, तो उचित जल निकास होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम और आयरन पायराइट्स का प्रयोग करते हैं, तो किसमें करते हैं, तो क्षारीय मृदा में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पेड़ जलाक्रांत दशाओं के लिए उपयुक्त होता है, तो किसमें होता है, तो ये यूकिलिप्टस ग्लोबुलस में होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि जलमग्नता के कारण से होता है, तो क्या होता है, क्षारीय मृदा की पीएच बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर, अम्लीय मृदा की पीएच बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च लवण प्रतिरोधी फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो सरसों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सैलाइन शब्द रसियन शब्द से लिया गया है, तो कौन से सोलोनचक शब्द से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें राइट होगा। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होती है, तो मृदा अपरदन किसके लिए उत्तरदायी होती है, वनों की कटाई, अधिक चराई, स्थानांतरित खेती, सबके लिए होती है। उपयुक्त डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदाओं को सुधारने में प्रयोग होता है, तो बेसिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवण का संचयन होता है कहलाती है, तो लवणीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शेल्टर बेड का प्रयोग करने के लिए किया जाता है, तो वायु अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है, तो उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल जो है वो चाय है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज होता है, तो वो कौन सा होता है, तो क्योलिनाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मृदा में के बनने की तुलना में मृदा अपरदन सामान्य गति से अधिक होता है, तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, त्वरित अपरदन कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि पायराइट्स FeSO2 में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों का समूह होता है, तो क्या होता है, NaCl Na2SO4 होता है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राथमिक संदूषण नहीं है, तो प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है, H2SO4 नहीं है। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पानी के बहाव से कृषि भूमि से निकलने वाले अवशेषों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है GIS का मतलब क्या होता है, तो भू सूचना प्रणाली होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा कणों के बिकरली पिंडन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो ये सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है, तो नाइट्रेट का विषैलापन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है GIS के किस वर्ष में खोजा गया था, तो ये 1968 में खोजा गया, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप लोगों को इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।